नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान तौकते ने अब धीरे धीरे राजस्थान की ओर रुख पलट लिया है, जिसका असर आगामी 24 घंटे में संपूर्ण राजस्थान पर दिखने वाला है। इस चक्रवाती तूफान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। संपूर्ण राजस्थान में स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप राजस्थान के किस जिले से बिलोंग कर रहे हो और दोस्तों वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं। राजस्थान में कई जिलों में तौकते तूफान के कारण 40 से 50 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर वृक्ष टूटने की आशंका जताई जा रही है, साथ ही दोस्तों यहां पर ट्रैफिक को भी बाधित किया है। अब हम आपको IMD की ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं, जहां से संपूर्ण जानकारी प्रूफ के साथ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर हो, जहाँ से हम आपको प्रत्येक सब डिवीजन वाइज बताएंगे कि किस डिवीजन में किस प्रकार के मौसम की आशंका जताई जा रही है। बात कर लेते हैं 18 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर देखिए, संपूर्ण राजस्थान की स्थिति को यहाँ पर रेड अलर्ट में दर्शाया गया है, यानी कि दोस्तों आगामी 24 घंटे में राजस्थान में आपको ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना की आशंका जताई जा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, इससे राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में इसका प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिल सकता है। आगामी 24 घंटों के बाद राजस्थान के अलावा इसका प्रभाव हरियाणा और दोस्तों पंजाब, दिल्ली NCR के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है।